कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान लीडर ऐसा ना था जिसने जो है आज जो एक ट्रेंड चल रहा है खासतौर से हिंदू कम्युनिटी के अंदर कि मुसलमानों को और मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को बहुत जल्दी जो है हिंदू कम्युनिटी अपना लीडर तस्लीम कर लेती है। औरंगाबाद शहर के अंदर मुसलमानों की काफी तादाद है, हम कम से कम 35 से 40% यहाँ आबाद हुआ करते हैं। उसके बाद हमने ये सोचा कि क्या हो रहा, एक बार दुलिये का फसाद हो गया 2008 में, यहाँ पर दुलिये का फसाद हुआ और मैं देख रहा था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर खामोशी, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं जब कारपोरेटर था वहां पर, कारपोरेशन के अंदर मैंने मेरे मुस्लिम कारपोरेटर दोस्तों से कहा कि क्या तमाशा है, हमारे को लगे रसूल ने समझाए कि किसी मुसलमान के नाखून पे भी अगर चोट लगती तो उसका पूरा बदन लर्जा जाता। नुमाइंदगी की आर पाटिल साहब, उस टाइम जो है होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे कहा कि कम से कम हैसियत के अंदर वो वहां के पुलिस कमिश्नर जो है या पुलिस के जो भी जिम्मेदार है उसको सस्पेंड किया है, सबसे कम कम हैसियत। लेकिन हम पार्टी के होने के बावजूद भी हमें मुसलमान ने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया गया, हमने उसका जवाब दिया। हम उसे बैठे हैं जैसा कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान जाते तो उनकी खामोश हो जाते, लेकिन हम खामोश नहीं रहे। हमने इस शहर के अंदर ऐसा माहौल को तैयार किया, ऐसा जवाब दिया उनको कि एनसीपी के जितने 4 कारपोरेटर थे, कारपोरेटर तो बहुत थे, 13 कारपोरेटर थे जब, और मुसलमान 25-30 कारपोरेटर थे, कोई ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं लिया। 4 लोग तैयार हुए, उसके बीच में एक मैं था, एक मुजीब आलम शाह खान साहब थे, एक निसार खान साहब थे और एक यास्मीन जो है हमारे यास्मीन अकरम साहिबा थे। ये 4 कारपोरेटर ने हमने जो है ये एनसीपी की पार्टी को भी छोड़ दिया और कारपोरेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया और इंशाल्लाह मुसलमानों ने फिर हमको सर पे उठाया और हमको फिर से चुना के लाया। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है और हम आवाज नहीं उठा रहे। तो लानत है हमारी ऐसी लीडरशिप के ऊपर कि हम कहीं से आवाज ही नहीं उठ रही है। तो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पर शहर में मुसलमान कारपोरेटर को एक जगह करें और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कारपोरेटर को एक जगह किया और उसमें 4 लोग ऐसे निकले जिन्होंने जो ये बोलूंगा कि एमपी ऐसी ही छूट के नहीं आ गया था। औरंगाबाद शहर यहाँ पर असल में टॉपिक है मुसलमानों का सियासी समाजी तालीमी मुस्तकबिल क्या हो। तो हमने आजादी के बाद भी देखा कि आजादी के बाद मुसलमानों की काफी तादाद जो है हमारी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में रहती, आजादी के बाद हम बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे रहते थे, लेकिन पिछले 35-40 सालों के अंदर हमारी ये नौबत आ गई कि हुकूमतों को हमारी जो है कमीशन बनाना पड़े हमारी हालात के ऊपर और हुकूमतों ने कमीशन 35-40 साल में बना भी लिए, पूना पेट कमीशन बना लिए, सच्चर कमेटी बन गई, महमूदुर रहमान कमेटी बन गई और पता नहीं क्या 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 कितने कमीशन बन गए, लेकिन जहां रिजर्वेशन की बात है वो आज तक नहीं मिला। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अब जो है ये जो सियासी हमारे को जो है ना, हम बड़े बड़ी तारीफ रखने वाले लोग हैं, मुसलमान बहुत बड़ी तारीफ रखने वाले लोग हैं। आप चले जाइए उस दौर के अंदर जहां 313 हुआ करते थे और एक बड़े लश्कर पर हम गाली बाज आते, तो हम बहुत बड़ी तारीफ रखने वाले लोग हैं। आज भले ही हम कमजोर जरूर है लेकिन हमारी जो तारीख है उससे हम अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर हम कहीं लेथ मशीन का काम करते तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, कहीं केले बेचने का काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, कहीं पान का ठेला लगाने का काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं और जितने छोटे छोटे काम करते हैं हम पूरी ईमानदारी से। तो जन गाड़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं आप करिए इंशाल्लाह, और
ये जितने लोग आपने जमा कर लिए यहाँ पर ये बहुत, और बढ़ेगी गाड़ी आगे इंशाल्लाह, आगे गाड़ी बढ़ेगी और इसलिए बढ़ेगी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर मैं गवाह हूं, मेरे साथी यहां बैठे हैं, ये गवाह इस बात के, और जो एहसान फरामोश है वो भी सुने कि क्यों एहसान फरामोश ये थी, क्या हो गया था कि कामों में कभी तुमने वो मकसद नहीं देखा, वो मकसद मुसलमान और दलित की इतिहास में तुमको बताया। उम्मीदवार मत डालो, ठीक है, नहीं डालते उम्मीदवार, थैली अंदर
ये ना हो कि बीजेपी वाला आ रहा, मालक उम्मीदवार डालो, ठीक है उम्मीदवार डाले अंदर, भले ही वहां मुसलमानों की तादाद 15,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। मेरी आदत है, मैं जरा बोलता हूं तो थोड़े डंके की चोट पे बोलता हूं, फिर सामने वाला कितना भी बड़ा बाजी क्यों ना। हमने 2013 के अंदर सबसे पहले जो है रिजर्वेशन का एक बड़ा जलसा लिया, वो रिजर्वेशन के जलसे में निहाल अहमद साहब थे, वो रिजर्वेशन के जलसे में असदुद्दीन अवैसी थे और बहुत सारे लोग थे वही रिजर्वेशन के जलसे में। और अब कुछ लोग रिजर्वेशन के ऊपर नाचे, मैं शाहरुख खान को क्यों नाचे, क्या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन बहुत करीब है तो ये क्यों तुम्हारे, मैं क्या बोलूं यार, मेरी जबान बहुत इधर उधर फिसल गई, लेकिन यहाँ बहुत मौके पर लोग बैठे हैं तो इसलिए जबान में फिसलना नहीं चाह रहा। तो जो लोग 2013 में रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को आए तो 2021 में फिर उनको रिजर्वेशन लिया, 2021 में उनको फिर रिजर्वेशन लिया रहा है। तो ये 8 साल आपने क्या उखाड़े, 8 साल ये रिजर्वेशन की मुहिम को क्यों बंद रखे। मैं गौरव साहब ताई आपको भरोसा दिलाता हूं, आज इस मंच से रिजर्वेशन की एक तहरीक शुरू होगी इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के बैनर पे साथ में रिजर्वेशन की एक तहरीक शुरू करेंगे। और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ना नहीं है, अभी कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन को भी आउट कर दिया, अब ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। मैं उन सारे ओबीसी के लोगों से कहता हूं कि वो इस वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले जमा हो जाए, इंशाल्लाह मुसलमान के साथ रहेगा, दलित के साथ रहेगा, और वो हुकूमतें जिन्होंने रिजर्वेशन को जो है ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म किया वो भी सुन ले कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ओबीसी का जिक्र आ गया। फारूक साहब तो मुझे फिर पार्लियामेंट याद आ जाता, मेरे को फिर आगे पीछे जाना। असेंबली का इलेक्शन था, खाली एक छोटा वाक्य सुना के मैं अपने काम बराबर जाता बचता नहीं हूं, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा तो माजरत करता हूं। क्योंकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये मैं प्रैक्टिकली जमीन पे घूम घूम के जब मैं देख रहा था तो वो नजारा मेरे नजरों से आज निकल रहा, वो सारा बवाल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मंजर था वो, तुम जो है तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मैं कन्नड़ गया, वही पार्लियामेंट कलेक्शन के अंदर कन्नड़ गया, क्योंकि कुछ देहातों के अंदर 4-5 घर मुसलमानों के होते हैं और उनको जो लोग डर के मारे जो है जान और डालने का उनको आतराफ है वही। ये वाकया सुनो खुल्ला, कन्नड़ के अंदर 4 घर एक देहात के अंदर मुसलमानों के थे और 12 घर दलित के थे। जब दलितों ने डंके की चोट पे पतंग को ओढ़ मारा तो वो 4 घरों में पतंग को ओढ़ पाया। ये बेनिफिट आप सोच सकते क्या, ये बहुत बड़ा बेनिफिट। इस अलायंस को मुसलमानों में भी और दलितों में भी जितनी इज्जत की नजर से लोगों को मिले, लेकिन वहां दलितों के उनको ना मिल सके, लेकिन एक अच्छी तादाद में मुसलमानों ने मांगा होता। ये नींद भी हमने डाली यहां इस शहर में कि दलित मुसलमान इत्तेहाद हो, और वो इत्तेहाद ने यहां पर बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक वाइल्ड मिसाल है दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद की, जिसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दिया और यहां का रेशो
2008-2009 में मैं भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, मुसलमानों के बीच में हम गिड़गिड़ा रहे थे, कांग्रेस एनसीपी हमको बहका रही थी कि तुम्हारा फिगर ही नहीं है, तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तुम चुन के नहीं आ सकते, तो तुम फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? सेकुलर पार्टी है उसको चुन के आंदो। हमने हिम्मत की, जैसी जैसी लंगड़ी लूली टूटी पूटी जैसी थी, साधो सामान नहीं है तो साधो सामान नहीं है तो नहीं है, कि 313 के बीच में कोई साधो सामान था हमारे पास है कुछ? अगर कुछ था तो ईमान था, ईमान, बाकी कुछ नहीं था। और उसी अल्लाह के भरोसे पे हमने 2009 में इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इस फूटी फूटी हरकत में हमने 13,000 वोट हासिल किए और उन लोगों को बताया कि तुम जो बोलते थे कि तुम्हारे 25-30,000 वोट पड़ते थे उस जमाने में हमने 150 वोट गिरा के बताया। ये तहरीक को हमने शुरू किया और 150,000 वोट गिरा के बताए, ठीक है हमारे को कामयाबी नहीं मिली, मुसलमानों के जहन से सेकुलरिज्म का भूत नहीं निकला, वो सेकुलर बनने सेकुलर पार्टी उसको ही वोट देने के नाम नहीं आज सेकुलर पार्टी काम आया तो आज तक लटका के बैठे, तुम्हारा रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिए। और अभी मुसलमानों के बीच में बहुत, अब ये अलायंस तोड़ने वाला कौन, वंचित बहुजन अघाड़ी है या वो लोग है? ये अलायंस को किसने तोड़ा? मैंने फारूक साहब का पिछले महीने में इंटरव्यू देखा औरंगाबाद के अंदर, कि मैं चैलेंज करता हूं वो साहब को, यहाँ के खासदार साहब को, कि वो आए मेरे साथ आम के सामने बात करें कि अलायंस किसने तोड़ा। तो ये चैलेंज करने वाला शख्स यहां मौजूद है बैठा हुआ, ये चैलेंज करने वाला शख्स मौजूद है, और अगर उनके अंदर हिम्मत होगी उनके अंदर ईमान होगा तो वो इस चैलेंज को कबूल करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं मुसलमानों, आपके पास आज भी इस दो हलके के अंदर नंबर नहीं है, आप भले ही 80,000 वोट ले लो, आप भले ही 70,000 वोट ले लो, लेकिन आपके पास नंबर नहीं है। जब तक वंचित बहुजन अघाड़ी मुसलमानों के पीठ के पीछे खड़े नहीं रहेगी, औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूं, इस दो हलके में आप जीत नहीं सके, इस दो हलके में आप जीत नहीं सकेंगे। और ये मेरा ये मामलों में मैं जरा थोड़ा सा मेरे को एक्सपर्ट बोलो या माहिर बोलो है जाती है, और यही डर हुकूमतों को सता रहा, यही डर हुकूमतों को सता रहा है कि हमने अगर कहीं जनगणना हो नहीं तो उसकी वजह से अगर हो गई ओबीसी का फिगर दूसरी कौमों से ज्यादा निकल गया तो हर पार्टी को जो है उनको नुमाइंदगी देने की जरूरत पड़ेगी, और वो हर पार्टी ये चाह रही कि जो है मैं 33% मराठा बोलते सही बोल रहा हूँ, 33% मराठा को मेरे डीए बोलते ठीक है, 288 में से 182 है मेरे, है कि नहीं? और अगर 40% ओबीसी है तो कितने होना, 14% मुसलमान है तो 14% मुसलमानों कितने है मिले होना, 7-8 40 और 40 कैसा होंगे मुंबा गए, 40 होने को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, कोटदार के बैठे घर में तो 40 है मिले होंगे तुम्हारे, नहीं तुमको दूसरी फॉर्मों को जोड़ना पड़ेगा, तुमको दलितों को साथ में लेना पड़ेगा, तुमको ओबीसी को साथ में लेना पड़ेगा, तुमको दूसरे जितने दबे कुछ तबके को साथ में लेना पड़ेगा, और फिर ये जाके तुम्हारी गाड़ी भागेगी। और गाड़ी भगाना है अगर तो सियासत के ये जो गुण मैं आपको बताया हूं यही करना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नहीं, एक आदमी ला लो खुश हो जाओ और चलते फिरते नजर आओ लाओ, या आपके जो है पूर्व का, ये दो हल्के औरंगाबाद मुसलमानों के ऐसे हैं
जब मुसलमानों की काफी तादाद है, 35-40% मुसलमान यहाँ पर आबाद हो। अब अगर तुम्हारे को यहाँ पर MLA बनना है तो तुमको जो है ये जो सपोर्टिंग वोट आपको ईमानदारी से पार्लियामेंट में मिला था, ये सपोर्टिंग वोट कैसा मिलता उसकी फिक्र करने की जरूरत है। अगर तुमको ये लगता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जाने में भलाई है और वो आवाज हमारी उठा रही है और वो सारी रिजर्वेशन की आवाज मुसलमानों की नहीं उठा रही है, तुम्हारे अकायद के जो मसाइल है उनको भी फेस कर रही है, ये क्या कम बड़ी बात है कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सबसे पहल करने वाला, सबसे ज्यादा पहल करने वाला कोई शख्स था तो वो प्रकाश अंबेडकर था। ये क्या कम बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि वो शख्स के ऊपर मैं फिदा हो गया। और मैं खामोश तमाशाई है तो वो अपने ईमान को टटोल ले।